दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में 875 तरह की दवाई हुई महंगी, इन बीमारियों का हो गया महंगा इलाज। जी हां, दिल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर समेत दूसरी बीमारियों से पीड़ितों के लिए चिंताजनक खबर है। बीते 1 अप्रैल से जो दवाओं के रेट में इजाफा हुआ है वह पटना सहित पूरे बिहार में बाजारों में 15 अप्रैल तक आ जाएगी। आपको बता दें कि महंगी होने जा रही दवाओं में बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवा पैरासिटामोल भी शामिल है। एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोमाइक्लोसिन, हाइड्रोक्लोराइड, फेनोबारबिटोन जैसी दवाएं भी महंगी होने जा रही है। मल्टीविटामिन एनीमिया में दी जाने वाली दवाओं की कीमतों को बढ़ाने का निर्णय दवा कंपनियों की ओर से लिया गया है। वहीं त्वचा, दिल, गुर्दा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेन किलर, एंटी एलर्जिक, खून पैदा करने की दवा, टीबी, माइग्रेन, पार्किंसन, डिमेंशिया, साइकोथेरेपी, हार्मोन लिवर, पेट रोग की दवाएं भी शामिल है, जिनके रेट में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में महंगी हुई पढ़ाई, विकास शुल्क समेत इन मदों में देने होंगे अधिक पैसे। यह राज्य के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई महंगी हो गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है, लेकिन नए सत्र में 1 अप्रैल से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। स्कूलों द्वारा अधिक फीस लिए जाने पर पेरेंट्स विरोध भी जता रहे हैं। आपको बता दें कि अब 9वीं व 11वीं में प्रवेश शुल्क 50-50 रुपए देने होंगे। पहले 9वीं में प्रवेश शुल्क 20 रुपए, 11वीं में प्रवेश शुल्क 15 रुपए थे। वहीं 9वीं में विकास शुल्क अब एक बार फिर 80 रुपए देने होंगे। पहले 2 किस्तों में यह राशि ली जाती थी। वहीं 11वीं में विकास शुल्क अब 200 रुपए लिए जाएंगे। पहले विकास शुल्क 160 रुपए थे। अगली बड़ी खबर, अब मॉर्निंग शिफ्ट में खुलेंगे पटना के सभी प्राथमिक स्कूल, 11 बजे मिलेगा मिड डे मील। जहां मौसम के कड़े रुख को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। बिहार में लू का अलर्ट जारी है, मौसम का तेवर तल के और प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है कि कोरोना का खतरा एक बार फिर न पैदा हो जाए। आपको बता दें कि अप्रैल में ही जून से गर्मी को देखकर हर कोई परेशान है। पटना की जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बाबत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पटना जिले में सभी प्राथमिक स्कूल अब मॉर्निंग शिफ्ट में खुलेंगे। आदेश के तहत प्राथमिक स्कूल सुबह 6 बजे से 11 की शिफ्ट में चलेंगे। स्कूली छात्रों को सुबह 11 बजे मिड डे मील दिया जाएगा। बच्चे हर हाल में दोपहर से पहले घर तक पहुंच जाए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, लू की चपेट में दक्षिण बिहार के 6 जिले, मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर जारी किया अलर्ट। जी हां, राज्य के 6 जिले प्रचंड गर्मी के चपेट में है और यहां लू जैसी परिस्थितियां है। सूर्य की प्रचंड किरणों के बीच गर्म पछुआ हवाओं के प्रभाव से गया, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, बांका और बक्सर में अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। पिछले 2 दिनों से इन जिलों में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा बह रही है। मौसम विभाग ने इन सभी 6 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गर्म हवाओं की वजह से लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं राज्य के अन्य जिलों में पूर्वा हवा का प्रभाव है, इस वजह से औसत अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच है। पटना में भी पारा सामान्य के आसपास है। उत्तर बिहार में भी आंशिक राहत है। चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण व पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी बिहार में 3 और 4 अप्रैल को आंशिक बारिश के आसार जताए हैं। इन जिलों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे और मौसम खुशनुमा रहेगा। अगली बड़ी खबर, भारत नेपाल के बीच 8 साल बाद दौड़ी ट्रेन। जी हां, 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को आखिर भारत नेपाल के बीच ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने दिल्ली से संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जयनगर स्टेशन पर सज धज कर तैयार ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन करीब 50 लोगों को लेकर जनकपुर की ओर रवाना हो गई। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि यह ट्रेन परिचालन भारत और नेपाल के रिश्तों को सुगम बनाएगा। जयनगर से कुर्ता तक और कुर्ता से जयनगर तक रविवार से आम यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार एक फेरा जयनगर से और एक फेरा कुर्ता से चलेगी। सुबह 8:15 में जयनगर से कुर्ता के लिए ट्रेन रवाना होगी। वही शाम 7:15 में कुर्ता से आने वाली ट्रेन जयनगर पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर, LDC और मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा के आंसर की जारी, 12 अप्रैल तक भेजी आपत्तियां। जी, बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटर वाहन निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार
बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि परीक्षा 5 मार्च और 6 मार्च को हुई थी। उम्मीदवार ऑफलाइन मोड के माध्यम से भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों को लिफाफे पर नाम और विज्ञापन के नाम को उल्लेख करना आवश्यक है। आपत्तियां बिहार लोक सेवा आयोग के पते पर 12 अप्रैल शाम 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। बड़ी खबर, रामनवमी पर पटना में 41 स्थानों से निकलेगी झांकियां। किशोर कुणाल की लोगों से घर घर पर राम ध्वज लगाने की अपील। जहां रामनवमी पर राजधानी पटना के 41 अलग अलग स्थानों से इस बार मनोरम और मनमोहक झांकियां पटना के मुख्य मार्गों से होते हुए डाक बंगला चौराहा से होकर आगे महावीर मंदिर की ओर जाएगी। इन शुभ यात्राओं का डाक बंगला स्थित मुख्य आयोजन स्थल के मंच पर स्वागत अभिनंदन रामनवमी शोभा यात्रा आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। शनिवार को महावीर मंदिर पटना से आचार्य किशोर कुणाल, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, रामनवमी शोभा यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष जगजीवन सिंह बबलू एवं महावीर मंदिर के मुख्य पुजारी के साथ आगामी 10 अप्रैल को होने वाली रामनवमी के अवसर पर आम जनमानस में जागरूकता के साथ मुख्य आयोजन स्थल डाक बंगला चौराहे पर राम भक्तों को निमंत्रण देने के उद्देश्य से श्री राम रथ को राम ध्वज दिखाकर रवाना किया। बड़ी खबर, बिहार के हर जिले में हेलमेट सीट बेल्ट के साथ फिटनेस व परमिट पर चला विशेष जांच अभियान। 432 वाहनों पर जुर्माना, 48 हुए जब्त। जहां राज्य के सभी जिलों में हेलमेट सीट बेल्ट के साथ व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस एवं परमिट विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं पाए जाने, फिटनेस फेल वाहन, बिना परमिट के तथा बिना हेलमेट सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। यह अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी MBI और ESI द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 1123 वाहनों के जांच में मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 432 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया एवं 48 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई दी गई। वही मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन में 11 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई। अगली बड़ी खबर, पटना और बिहार म्यूजियम के बीच बनेगी सुरंग। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जल्द शुरू करें निर्माण। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना मेट्रो के अलावा बिहार व पटना संग्रहालय के बीच बनने वाले टनल तथा मुख्यमंत्री वृद्ध जन आश्रय स्थल योजना की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य योजना के अनुसार मेट्रो रेल निर्माण में काम में तेजी लाए ताकि जल्द से जल्द लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस मौके पर नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से पटना मेट्रो रेल निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है, वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय के बीच सबवे टनल कनेक्शन का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करें। अगली बड़ी खबर, विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थमा, 4 को मतदान, 7 को काउंटिंग। जी हाँ, बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों के चुनाव को लेकर प्रचार का शोर शनिवार के शाम 4 बजे थम गया। राज्य में विधान परिषद के इन सभी सीटों के लिए 4 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार रोक दिया गया है। आयोग के अनुसार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक परिषद चुनाव को लेकर मतदान होगा, जबकि मतगणना 7 अप्रैल को निर्धारित है। चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद ये प्रत्याशी घर घर वोट मांगेंगे। अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में पेपर लीक होने के चलते एनसीसी की सी सर्टिफिकेट परीक्षा हुई रद्द, अब 11 अप्रैल को एग्जाम। जी हाँ, बिहार झारखंड के एनसीसी निदेशालय ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए होने वाले परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी है। एनसीसी निदेशालय के सूत्रों के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि पेपर लीक के चलते एनसीसी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट की यह परीक्षा अब दोबारा से 11 अप्रैल को कराया जाना संभावित है। बड़ी खबर, नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के जिलों में सुधार, कटिहार को पहला स्थान, गया को दूसरे नंबर पर। जी हां, नीति आयोग की रिपोर्ट में भले ही बिहार को कई क्षेत्रों में पिछड़ा बताया जाता हो, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि आयोग की फरवरी 2022 के डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में कटिहार को पहला स्थान मिला है, वहीं गया को दूसरा, मुजफ्फरपुर को तीसरा व खगड़िया को 7वां स्थान मिला है। कटिहार जिला हेल्थ और न्यूट्रिशन के सूचकांक पर 13 अंक पाकर देश में प्रथम स्थान पाया है, जो बिहार के लिए दोहरी उपलब्धि है। आपको बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2022 की रैंकिंग में गया को द्वितीय, मुजफ्फरपुर को तृतीय, खगड़िया को 7वां, पूर्णिया का 14वां, सीतामढ़ी को 19वां, बेगूसराय को 48वां, शेखपुरा को 54वां, जमुई को 56वां, अररिया को 57वां, नवादा को 64वां, औरंगाबाद को 80वां और बांका को 79वां रैंक प्राप्त हुआ है।
अगली बड़ी खबर, बिहार में हाईवे पर सफर हुआ महंगा, 65 रुपए तक बढ़े टोल टैक्स, जाने किन वाहनों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। जी हां, नेशनल हाईवे का सफर 1 अप्रैल से महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही इसके लिए 2022-23 में टोल बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह 31 मार्च के रात 12 बजे के बाद प्रभावी हो गई है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी। रक्षा वाहन, अग्निशमक, एम्बुलेंस, सब वाहन, वीआईपी साइन लगे वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाने वालों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बिहार में आईटीआई की पढ़ाई करने वाले 1.5 लाख छात्र छात्राओं को सरकार ने दी राहत। जी हां, बिहार के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले तकरीबन 1.5 लाख विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। बिहार सरकार ने आईटीआई के सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेने का फैसला किया है। शुक्रवार को श्रम संसाधन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। कहा कि विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि विभाग को ऐसी शिकायतें मिली थी कि प्रावधान की अवहेलना कर 200 रुपये प्रति विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन फीस वसूल किया जा रहा है। खासकर ये शिकायतें निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से मिली थी। अब सरकार के इस फैसले से यह तय है कि हर साल आईटीआई में नामांकन लेने और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। आज के लिए आपका सवाल बताए कि दवाइयों के दाम महंगे होने से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।